हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का डायरी लिखने की कला पाठ का क्विक रिवीजन नोट दूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपको इस पाठ का मेरे अनुसार इम्पोर्टेंट नोट्स और आपको बस क्लू देने के लिए बनाया हुआ है। पूरी गहराई से जानने के लिए पूरा पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, डायरी क्या है? उत्तर, वस्तु की दृष्टि से डायरी एक पुस्तिका या नोटबुक है जिसकी प्रत्येक पृष्ठ पर साल के 365 दिनों की अलग अलग तिथियों के साथ कुछ खाली स्थान होते हैं। वहीं अगर आप उपयोग की दृष्टि से देखें तो डायरी एक पुस्तिका या नोटबुक है जिसमें दैनिक क्रियाकलापों, भविष्य की कार्य योजनाओं और अपने दिन प्रतिदिन की यादगार घटनाओं, निजी अनुभवों या विचारों को तिथि सहित लिखना होता है। ये तो हुआ डायरी का मतलब, लेकिन अब इसके बाद आता है डायरी लेखन क्या है। क्वेश्चन टू, आखिर ये डायरी लेखन क्या है? उत्तर, पहला, आप दिन भर जिन घटनाओं, विचारों और गतिविधियों से गुजरते हैं उन्हें डायरी के पन्नों पर लिखना ही डायरी लेखन है। दूसरा है, डायरी नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। तीसरा है, शुद्ध लेखन के स्तर पर देखे तो डायरी अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है और अपने ही साथ होने वाला संवाद है, एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। चौथा है, डायरी एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर कौंच जाने वाले विचारों, यादगार घटनाओं और बहस मुबाहिसों को हम दर्ज करते हैं। पाँचवा है, डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं, भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ अपने मन के आईने में खुद का अक्स भी होता है। प्रश्न तीन, हमारे जीवन में डायरी लेखन का क्या महत्व है? उत्तर, डायरी लेखन का हमारे जीवन में ये महत्व है कि डायरी हमें भूलने से बचाती है, भविष्य की कार्य योजना को याद रखने और अतीत की यादों, भावनाओं, विचारों तथा अनुभवों को ताज़ा रखने में मदद करती है। डायरी खुद का साक्षात्कार करने या खुद से संवाद स्थापित करने का अवसर देती है। डायरी में हम अपने क्षण विशेष के अनुभवों, विचारों, मुलाकातों और बहस मुबाहिसों से संबंधित जानकारियों को संजो कर रखने में मदद करती है। डायरी लेखन खुद से एक अच्छी दोस्ती का एक बेहतरीन जरिया है। डायरी हमारे चिंतन को प्रेरित कर कौशल को बढ़ाने में मदद करती है। प्रश्न चार, कुछ प्रकाशित डायरी के उदाहरण बताइए। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, जिसको लिखा है एनी फ्रैंक ने। पैरों में पंख बांधकर, जिसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी। रूस में 25 मास, राहुल संकृत्यायन। सुदूर दक्षिण पूर्व, सेठ गोविंददास। लद्दाख यात्रा की डायरी, कर्नल सर्जन सिंह। और डॉक्टर रघुवंश सिंह का है। प्रश्न पाँच, हमें डायरी लिखने के लिए किन किन खास बातों को ध्यान में रखना होता है? उत्तर, कि डायरी किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए तथा तिथियों को अपने अनुसार लिखनी चाहिए। डायरी में आप खुद से क्या और कहना चाहते हो उसे खुद तय करना है और डायरी लेखन किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होनी चाहिए। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर लिखी जानी चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। डायरी लेखन में परिष्कृत और मानक भाषा शैली की बाध्यता नहीं है। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ भी दर्ज करना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं करें। दोस्तों, ये था आपका पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का क्विक रिवीजन नोट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले वाले चैप्टर का नोट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें। और पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, इसका सीरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए।